लेकर यहाँ उनका कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में कुछ? मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है जी, 5 तारीख को दोपहर बाद जी। और महंगाई राहत जो शिविर हैं वो प्रशासन शहरों के संग अभियान दोनों का वो देखेंगे, लाभार्थियों से संवाद करेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं है, इसका रेस्पॉन्स कैसा है, पूरा इसका रिव्यू भी करेंगे। अजमेर ज़िले में मुख्यमंत्री जी ये मानिए कि उनका ये प्रदेश का दौरा बार बार, ज़िले का दौरा बार बार जो हो रहा है, इसे हम सारे कांग्रेस जन और सारे जनता बहुत ही खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री के दौरे को बेहतर से बेहतर करा सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंच सके, ये हम सब कांग्रेस जनों का ड्यूटी है। तो हम सब इसको देख कर, ये देखा है अभी एक विजयलक्ष्मी पार्क और देखते हैं दोनों में से जो बेहतर शिविरों से किस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है। ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा, ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है। महंगाई राहत शिविर में जो आदमी खुद आए नहीं आए, उनके कागज़ भी आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी आ रहे हैं, वो पंजीयन करा के उनको 25 लाख का बीमा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, 500 रुपये का सिलेंडर है, आपका बिजली के बिल डोमेस्टिक हैं, कृषि के बिल हैं, पेंशन है, इस टाइप से जितनी फैसिलिटी मुख्यमंत्री जी ने 10 योजनाएँ जो है महंगाई राहत शिविर के माध्यम से, और बाकी तो जो प्रशासन गाँवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रही हैं, जिसमें सारे तमाम डिपार्टमेंट सरकारी हैं उनके विभाग से आम आदमी को रिलीफ मिल रही है। और ये लग रहा है कि महंगाई राहत शहर के माध्यम से, महंगाई राहत शिविर के माध्यम से जनता ये जान गई है कि कौन हमारी दुख दर्द में खड़ा है और कौन केवल बातें करता है। ये अब एक्सपोज हो गया है बीजेपी के नेताओं की जो चाल चेहरा और चरित्र। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोदी जी को तत्काल अब उनको भी महंगाई से राहत दिलाने के लिए जिस ढंग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 500 रुपये का सिलेंडर किया है, उनको भी अगर वो भी 500 रुपये का सिलेंडर में सब्सिडी कर दें तो ये सिलेंडर फ्री हो जाएगा, तो महंगाई में बहुत बड़ी राहत पहुँची। ओल्ड पेंशन स्कीम जिस ढंग से राजस्थान में हुई है, उसी ढंग से पूरे देश में वो लागू कर दें तो कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। जिस ढंग से राजस्थान में राइट टू हेल्थ लागू हो गया है, उसी ढंग से वो भी देश में राइट टू हेल्थ लागू करें, और उनकी जहाँ बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ OPS, राइट टू हेल्थ, सिलेंडर, बिजली के बिल, MSP, ये काम करना शुरू करें हैं वो बातों से। पाते सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, अंतिम समय में ही इन योजनाओं की क्यों याद आई है, क्या वजह है इसको लेकर? पहले दिन से, जिस दिन से गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन से वो जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पे उतारना शुरू किया। पहला बजट भी आप देखेंगे एक से बढ़कर एक बजट, पहला बजट भी, दूसरा बजट भी, तीसरा बजट भी, चौथा बजट भी। इसलिए चुनावी बात जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन से जनता को